हेलो बच्चों, आपका स्वागत है SSB वेपन के यूट्यूब चैनल पे। आज हम कवर करने वाले हैं CDS यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम जो 1 हुआ था 2022 में, उसके सारे के सारे क्वेश्चन हम सीरीज में करेंगे। ये जो 2 से 3 मिनट की वीडियो है, इसमें हम कवर करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको देखेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या है, हम पढ़ लेते हैं। एन इक्विलेटर ट्रायंगुलर शीट इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग अ 9 इक्विलेटर ट्रायंगुलर शीट ईच ऑफ द एरिया 9√3 cm², व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिगर ट्रायंगुलर शीट। ऐसे बोला गया, छोटे छोटे 9 इक्विलेटर ट्रायंगल ने मिला के एक बड़ा ट्रायंगल बनाया गया जो कि इक्विलेटरल है। पूछा गया है कि उस बड़े इक्विलेटरल की हाइट क्या होगी, यानी अगर 9 इक्विलेटर ट्रायंगल से मिलके एक ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल बनाया गया है, तो जो इन 9 इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया होगा वो बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमने देखा एक इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया 9√3 था सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 9 का कितना होगा, तो 9 से इसको इंटू कर दिया। और इक्विलेटर ट्रायंगल का हमें पता है एरिया का फॉर्मा क्या होता है, √3/4a² होता है। अब दोनों के इक्वल रख देंगे तो √3 से √3 कट जाएगा और ये 4 सामने मल्टीप्लाई में चले जाएगा। जब मल्टीप्लाई में जाएगा तो हमने 2 को इससे डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया तो 18 × 18 हो गया। अब यहाँ से a² = 18 × 18 cm² है, तो a आ गया हमारे 18 cm, और ये क्या था, इक्विलेटर ट्रायंगल की साइड थी। तो यहाँ से हाइट, जो हाइट थी हमारी, हाइट ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल हमें ये भी पता है। ऐसे तो हम पाइथागोरस लगा के यहाँ से भी निकाल सकते हैं हाइट। इसको हम 9 ले लेंगे, 9 मिड पॉइंट पे तो होगा, और 9 ले लिया, पाइथागोरस से हम इसकी हाइट निकाल सकते हैं। और पर हम CDS एग्जाम देने वाले हैं तो हमें ये सब पता होना चाहिए, वहाँ पे टाइम की वैल्यू होती है, ठीक है। तो हाइट इन इक्विलेटर ट्रायंगल क्या होता है, √3/2। √3/2 क्या होता है, इक्विलेटर ट्रायंगल की हाइट होती है। अब यहाँ पे ए हमने साइड निकाले थे 18, तो यहाँ पे 18√3/2 पुट करेंगे, 2 से 18 गया 9 वर में, 9√3 cm क्या आ गया हमारा, इक्विलेटर ट्रायंगल की हाइट, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।